हमारे चैनल उदय जयदीप को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप में स्वागत है। हम डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इस टॉपिक का हमारा सेकंड वाला पार्ट है। यदि आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीट ख़त्म करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखिए और बताइए कि नंबर 1 सबसे छोटी भिन्न, नंबर 2 सबसे बड़ी भिन्न, नंबर 3 तीसरी भिन्न। यानी कि ये तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में शामिल कर लिया। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या दी है, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी कि घटते क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 को हम क्या करेंगे, या तो हम इसको भाग देकर दशमलव में संख्या निकाल लें या फिर नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेके भी हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर भाग देकर बताता हूँ, भाग देकर हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए 2/7 है, 2/7 हम पहली संख्या को लेते हैं, 2/7 इसमें भाग देते हैं 7 का। देखिए 7 का 2 में भाग नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 रखी दशमलव, तो देखिए फिर हमारे यहाँ 0 बढ़ जाएगी। दशमलव रखने के बाद क्या 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 20, 7 दूनी 14, अब कितने बचे यहाँ पे, देखिए 7 दूनी 14, 6 बचे 60, तो 7 8 56, 56 फिर 4 40, 7 5 35, इस तरीके से हम भाग दे लेंगे। देखिए 2 में हम 7 का भाग दिया, हमारे पास क्या आ गया 0.285। और हम ध्यान रखिए आप दशमलव के 3 डिजिट तक निकालिए, क्योंकि 2 डिजिट तक मैच हो जाता तो वहाँ हमको कन्फ्यूज़न होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखिए इसी तरह हम 3/8 को सॉल्व कर लेंगे, 8 का 3 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.375। इसी प्रकार 5 में 11 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.454। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भाग दे के निकाल लीजिए यहाँ पे, और 3 डिजिट तक निकाल लीजिए आप, ठीक है। तथा 9/16 को सॉल्व करेंगे तो हम 0.562। इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए हम इसको अवरोही क्रम में, क्वेश्चन बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखिए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ कितनी है, देखिए 0.562 है हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, 0.562 फिर उससे बड़ी संख्या, सॉरी उससे छोटी संख्या, सबसे बड़ी है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखिए यहाँ पे हम 0.454, अब इससे छोटी संख्या, अब देखिए इन दोनों में जे वाली है बड़ी, यानी कि इससे छोटी 0.375। इसके बाद सबसे छोटी संख्या हो गई 0.285। अब देखिए इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं 0.562 यानी कि 9/16, क्योंकि हमको इन संख्याओं में बताना, इन संख्याओं में कौन सी बड़ी छोटी है, कौन सी बड़ी हो, तीसरी भिन्न क्या है। यहाँ पे तो हमने भाग दे के हमने निकाल लिया, तो इससे हमको मालूम चल जाए कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पे हम दशमलव के बाद आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इससे पहले हम जैसे 2/7, 3/8 ऐसे है तो ऐसे हम नहीं पहचान पाते, इसलिए हमने भाग दे के यहाँ पे संख्या निकाल ली। अब देखिए इसकी जगह हम 9/16, जगह इसका मान है 0.454, 5/11 का मान है, जे वाला मान किसका है 3/8, और 0.285 किसका मान है 2/7। अब देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमने इसको क्या अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली सबसे पहले। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न देगी सबसे बड़ी 9/16, सबसे छोटी 2/7, सबसे छोटी भिन्न 2/7। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 9/16, सबसे बड़ी 9/16,
तीसरी बहन, पहली दूसरी तीसरी, 3/8। तीसरी बहन क्या, 3/8। देखिए हमने एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन शामिल किए। एक्चुअली ये तीन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, किसी में या तो छोटी पूछ लेगा, या किसी क्वेश्चन बड़ी भिन्न पूछ लेगा, या किसी में तीसरी दूसरी पहली जो भी भिन्न पूछना वो पूछ सकता है। यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन शामिल कर लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, मैंने आपको यहाँ पूरी स्टेप लिख के बताया, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा देख रहा है। लेकिन हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में हम सिंपली यहाँ पर भाग देंगे। देखिए 2/7 में से भाग देंगे, या जो भी आ जाएगा ऐसे 3/8 यहाँ पर भाग, बस एक लाइन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहीं से देख के हम इजीली पहचान लें। ऐसे कि सबसे छोटी बिन पूछा हो तो हम यहीं से देख लें सबसे छोटी बिन हमको। देखिए हम दशमलव के बाद देखते, सबसे छोटी बिन 0.285 सबसे छोटी, यानी कि 2/7 सबसे छोटी, हम यहीं से पहचान लेते। सबसे बड़ी पूछी होती, सबसे बड़ी हम देखते 0.562 है, ये किसका मान आया, 9/16। इसी तरह हम एक ही लाइन में हम आंसर निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पूरी स्टेप लिखी। और देखिए बेसिक से सीखने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, हमको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, जो क्वेश्चन में दिया होता है बस उसी को हमें सॉल्व करना पड़ता है। जबकि हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, तो क्या होता है हर क्वेश्चन की ट्रिक अलग अलग होती है, तो हमको बहुत सारी ट्रिक याद रखना पड़ती है। इससे बढ़िया हम बेसिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जिससे हमको कुछ याद ही नहीं रखना, बस जो क्वेश्चन में दिया उसी को सॉल्व करना पड़ता है। और देखिए धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बेसिक से बहुत स्पीड में क्वेश्चन हो जाते हैं। बेसिक से अब इसी क्वेश्चन को आप करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, तो ये मिनिमम 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे छोटी बिन 2/7, सबसे बड़ी बिन 9/16, और तीसरी बिन 3/8, यहाँ पर हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, संख्याओं 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 को आरोही क्रम में लिखने लिखिए और बताइए कि सबसे छोटी बहन, सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था वहाँ क्या अवरोही क्रम में लिखने पर पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या आरोही क्रम है। यहाँ भी हमने एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन शामिल कर लिए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इन संख्याओं को क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले भाग देंगे। देखिए 7/9, 7/9 को सॉल्व करते हैं। देखिए भाग नहीं जाएगा, यानी कि 0.70 हो गए, 7 9 63, 63 फिर 7 बचे, 7 9 63, फिर से हमारे पास 9 7 63, 9 7 63, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे। अब देखिए फिर से बताता हूँ आपको, 9 से देखिए भाग नहीं जाएगी 0, रखी दशमलव, यहाँ पे कितने हो 70, तो 9 7 63, तो 63 7 यहाँ लिख ली, बचे फिर 7, तो 0 9 7 63। फिर देखिए हम 3 डिजिट तक निकालना है, फिर से हमारे पास कितने बच रहे हैं, 7 70 9 7 63, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 0.777। इसी प्रकार 11 हम 13 का भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 0.846। दशमलव के 3 डिजिट तक निकालें, क्योंकि 2 डिजिट सेम हो जाती है, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता। देखिए नेक्स्ट 16/19, इसमें 16 में हम 19 का भाग देंगे, 0.842। देखिए तथा हम 21/25, 21 में 25 का भाग देंगे, 0.840। देखिए दशमलव हम 3 डिजिट तक क्यों निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 84 है 2 डिजिट तक, हमें मालूम ही नहीं चलता इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए लेकिन 3 तक हम आसानी से पहचान सकते हैं, 840 और 842। देखिए यहाँ भी 846 है, देखिए 84, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, यानी कि 2 डिजिट तक 3 में सेम दिया है, तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए हम मिनिमम 3 डिजिट तक निकाल लें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम में क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है, हम यहाँ पे तो पहचान नहीं सकते 7/9, 11/13, 16/19, लेकिन दशमलव में हम सबको पहचान सकते हैं। देखिए सबसे छोटी 0.777, देखिए 8 है यहाँ पे, 8 है, यानी सबसे छोटी हमारे पास 0.7
सात सात सात, उससे बड़ी देखिए, उससे बड़ी 846, 842, 840। तो देखिए 840, फिर सॉरी यहाँ पे 0.840, फिर यहाँ पे 0.842, फिर 0.846। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे निकालनी। तो यहाँ पे निकालने के बाद अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसकी हम वैल्यू लिख दें जी, किसका मान है 7/9 का। 0.840 किसका मान है 21/25 का, 21/25 का। 0.842 किसका मान है 16/19 का। 0.846 किसका मान है 11/13। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। देखिए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी कौन सी है 7/9। अब देखिए नेक्स्ट में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी कौन सी 11/13, क्योंकि बढ़ते क्रम में है तो 11/13 सबसे बड़ी। अब देखिए दूसरी भिन्न, पहली दूसरी, दूसरी कौन सी 21/25। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहित ने 22.25 रुपए के 25 पैसा तथा 50 पैसा के कुल 52 टिकट खरीदे, इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। देखिए यहाँ पे 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की निकालना है। तो देखिए सबसे पहले उसने कुल टिकट कितने खरीदे हैं, कुल टिकट उसने 52 खरीदे हैं, यानी कि कुछ 25 पैसे वाले और कुछ 50 पैसे वाले। तो टोटल उनने कितने पैसे खर्च किए रोहित ने, टोटल 22.25 रुपये खर्च किए। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कुल 52 टिकट खरीदे, कुल कितने 52 टिकट खरीदे। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, माना उसने, माना रोहित ने, माना 25 पैसे वाले कितने टिकट खरीदे, 25 पैसे वाले उसने एक्स टिकट खरीदे, टोटल 52 टिकट खरीदे उसने, 25 पैसे वाले एक्स मान लिए हमने, एक्स टिकट खरीदे। अब देखिए 25 पैसे वाले एक्स, तो 50 पैसे वाले कितने खरीदे होंगे, 50 पैसे वाले 52 में से एक्स माइनस कर देंगे तो 50 पैसे वाले आ जाएंगे, 52 में से एक्स टिकट इसने 50 पैसे वाले खरीदे। अब देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, रोहित ने 22.25 रुपए के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। अब देखिए एक टिकट 25 पैसे का, तो एक्स टिकट कितने के हो जाएंगे, एक्स टिकट 25 एक्स, देखिए एक टिकट की कीमत 25 पैसे है तो एक्स टिकट की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 एक्स, प्लस देखिए एक टिकट 50 पैसे का, तो 52 माइनस एक्स टिकट कितने के हो जाएंगे, 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पैसे और 50 पैसे के कुल टिकटों क्या आ गया, कुल टिकटों का मूल्य आ गया, यानी 25 पैसे के उसने एक्स खरीदे एक्स टिकट, तो देखिए 25x प्लस 50 पैसे वाले उसने 52 माइनस एक्स, तो इनकी कुल कीमत कितनी हो गई, 50 का हमने इंटू कर दिया, बराबर 22.25 रुपए। अब देखिए यहाँ पे जो पैसे हैं और यहाँ रुपए हैं, क्योंकि देखिए 25 पैसे और 50 पैसे, 25 पैसे, सबसे पहले हम इसको देखिए सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस साइड रुपए हैं और इस साइड पैसे, देखिए इस साइड कुल पैसे हैं, इस साइड कुल रुपए हैं, या तो हम इनको पैसों में कन्वर्ट कर लें या इनको हम रुपए में, देखिए रुपए में कन्वर्ट करते हैं, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पे भाग देंगे, क्यों, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम यहाँ 100 पैसे का भाग देंगे, रुपए आ गए। यहाँ भी देखिए यहाँ भी 25 पैसे वाले कुल टिकटों की कीमत आ गई और 50 पैसे वाले कुल टिकटों की कीमत, दोनों को ऐड करा तो कुल कितने हैं 22.25
2 5 रुपये। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 100 एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर कितना आएगा, 25x प्लस 50 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2600 माइनस 50 का एक्स में 50x। यहाँ पे हम कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम बिना कैंसिल करे ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। इक्वल 22.25। अब देखिए 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 पीछे दो अंक खिसक जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 25x प्लस 2600 माइनस 50x, और इससे हम 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ आ जाएंगी और पीछे से 2 अंक और दशमलव, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगी 2225। ठीक है, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, आप 0 लगा के मतलब 100 का मल्टीप्लाई करके बीच ऐसे लगाएंगे तब भी 2225 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 25x माइनस 50x, यानी 50x में से हम 25x को माइनस कर देते हैं। देखिए 50 में से 25x माइनस करेंगे तो 25x बड़ी संख्या, उसका साइन आता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, प्लस यहीं पे लिख देता हूँ पहले मैं, 2600 2225। अब देखिए 2225 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इससे आगे मैं इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 25 माइनस 25x है, इसको उस साइड पहुँचाएंगे और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 25x उस साइड जाके कितने हो जाएंगे, उस साइड जाएंगे, देखिए 25 प्लस के हो जाएंगे उस साइड के, बराबर के जो बराबर के साइड आएंगे तो क्या होंगे, 2600 में से माइनस हो जाएंगे, 2600 माइनस 2225। देखिए इसको 2600 में से 2225 हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 375। अब देखिए 25 × में यहाँ डिवाइड हो जाएगा 25 का 375 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, यानी कि 25 पैसे वाले x टिकट खरीदे, लेकिन हमको क्या 50 पैसे वाले टिकटों की राशि ज्ञात करना है, तो हम 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 50 पैसे वाले उसने कितने टिकट खरीदे, 52 - x, यानी कि 52 में से हम 15 को माइनस कर दें कितनी आ जाएगी, 37। संख्या किसकी आई, 50 पैसे वाले टिकटों की आई, 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या 37। तो देखिए एक एक टिकट की कीमत कितनी है, 50 पैसे, तो 37 टिकटों की कीमत कितनी होगी, 37 × 50 पैसे। पैसे में आए, इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देंगे तो रुपये में आ जाएगा, 50 से कम 50 50 दूनी 100। तो यहाँ पे हमारे आ गया 37/2, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 × 1 = 2 = 17, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी कि 50 पैसे वाले टिकटों पे 18.50 रुपये खर्च करेगा। ये कितनी आ किसकी आई हमारी, 50 पैसे वाले टिकटों की राशि 18.50 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा, प्रारंभिक संख्या कितनी, यानी कि देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करना आती, गुणा करने के स्थान पे उसने गलती से क्या करा, 7.2 से गुणा कर दिया, तो इससे क्या हुआ, तो सही उसका उत्तर है, सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 2592 अधिक आ गया, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना प्रारंभिक संख्या x है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना प्रारंभिक संख्या कितनी है x। देखिए तब क्या होगा,
तब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के कर किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, यानी कि 7.2 से गुणा कर दिया, जिससे क्या हुआ, इसको गुणा किससे करना आती, जबकि गुणा करना थी इसे 0.72 से, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 7.2 से। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आ गए, यानी कि इससे गुणा करा तो क्या हुआ, सही उत्तर से 2592 अधिक आ गया। तो इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी जो अधिक आंसर आया वो हो जाएगा 2592। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7.2x माइनस 0.72x इक्वल 2592। देखिए यहाँ पे 7.2x में से हम माइनस करते हैं किसको, 0.72x को माइनस करते हैं, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 6.48x इक्वल 2592। अब देखिए यहाँ पे हम इससे इस संख्या में डिवाइड कर देते हैं तो 2592 नीचे डिवाइड में चला जाएगा 6.48। अब देखिए यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, दो डिजिट हैं दशमलव के बाद, तो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगी। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर 2592 इंटू 100 और नीचे 648। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, हम इसको चार से कैंसिल करते हैं। देखिए चार से कैंसिल करेंगे या हम इसको 100 को भी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए 2592 दो जीरो 648। ठीक है, अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए हम चार से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए चार से डिवाइड करने में 4 एकम 4 दो बचे 4 छिंग 24 4 दूनी 8 ऊपर देखिए 4 छिंग 24 1 बचा 19 4 चौका 16 3 32 4 8 32 अब 2 जीरो तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, एक्स इक्वल 648 00 बटे 162। देखिए 162 से ही हम इसको कैंसिल करें, 162 से 4 टाइम्स जा रहा है आप, तो एक्स इक्वल हमारी कितने आ गए, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल 400। प्रारंभ संख्या हमने क्या मानी थी एक्स, तो एक्स इक्वल 400 यानी कि प्रारंभ संख्या हमारी कितनी होगी, हमारी होगी एक्स इक्वल 400, हमारी प्रारंभिक संख्या होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और हमने इस चैप्टर में उन सभी क्वेश्चनों के टाइप को सॉल्व किया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको इन क्वेश्चनों की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।